हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं प्रशांत पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज शाम आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर? क्या आज शाम आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं या आपके पार्टनर कहीं और बिजी हैं? ठीक है, और आज शाम आपके पार्टनर कहाँ बिजी हैं, किससे बातें कर रहे हैं और आपको लेकर क्या बातें कर रहे हैं? तो आज शाम उनका मूड कैसा है और आपको लेकर क्या बातें कर रहे हैं और किससे बातें कर रहे हैं? अगर आपके पर्सन आज शाम आपको याद कर रहे हैं तो क्या बातें कर रहे हैं और आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए? चलिए देखती हूँ। आज पहली कार्ड नहीं गिरो भैया। आज शाम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं और आपको लेकर किससे क्या बातें कर रहे हैं और आपके लिए ट्रू इंटेंशन क्या है उनके दिल में, उनके दिल और दिमाग में आज शाम क्या है आपके लिए? एंजल्स एंजल्स एंजल्स, क्वीन ऑफ कप्स थोड़ा सोच रहे हैं, थोड़ी परेशानियां तो झलक रही है बट फिर भी आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। आज शाम मेरे भी उसके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और इनको लेकर क्या बातें कर रहे हैं? ओ माय गॉड, देखिए इनके अंदर काम का भी प्रेशर है। द डेविल क्यों है एंजल्स? ओ माय गॉड, क्या बात है, कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ प्लानिंग चल रही है। मैंने पूछा किससे और क्या बातें कर रहे थे, 100% बातें कर रहे थे मैरिज से रिलेटेड। वाओ, पैशनेट एनर्जी, वाओ, कमिटमेंट से रिलेटेड तो ये सोच रहे हैं और रीयूनियन से रिलेटेड ये प्लानिंग भी कर रहे हैं। देखिए डियर, आपके पार्टनर देखा जाए तो इस वक्त द हैंडमैन की एनर्जी में जरूर है आज शाम, लेकिन थोड़ा ये सोच रहे हैं। इन्होंने और आपने इस रिश्ते में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है ऐसा वो फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेकर आपके पर्सन इस रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं और एक्शन भी लेना चाहते हैं। देखिए पैशनेट एनर्जी आई है, ठीक है। ये पर्सन, आप जो भी आपके पर्सन है आपके लिए बहुत प्योर लव फील कर रहे हैं, लेकिन मैं कार्ड्स बता देती हूँ। द हैंडमैन, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, द डेविल, थ्री ऑफ कप्स, द लवर्स, और यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ सोर्ड, द हर्मिट और व्हील ऑफ फॉर्चून। तो डियर, आपके पार्टनर देखिए यहाँ पे सारे साइन हैं, ठीक है, सारे साइन के लोग हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और सारे साइन यहाँ पे हैं। यहाँ पे अर्थ साइन भी हैं और यहाँ पे एयर साइन भी हैं और यहाँ पे अर्थ साइन भी हैं और यहाँ पे वाटर साइन भी है, जैसे कि एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो देखिए डियर, आपके पार्टनर आज शाम सोच रहे हैं। देखिए आप दोनों ने इस रिश्ते पे बहुत काम किया है, बहुत देर तक आप दोनों अपने रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज किया है और ये पर्सन द हैंडमैन की एनर्जी में है, थोड़ा ये सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं और काफी हद तक इनमें बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए काम का भी प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर बहुत है, बहुत ज्यादा है, इस प्रेशर को ये कम करना चाहते हैं, लेकिन आपसे रिलेटेड ये अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से, बहुत ही क्लोज फ्रेंड से, या अपने कजन से, या अपने भाई और बहनों से, अगर या फिर बचपन के फ्रेंड है, जो भी इनके क्लोज है, जो इनका राज जानते हैं, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आप उनकी सोलमेट हो, सेपरेशन चल रहा है और वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपसे एक ट्रू लव कनेक्शन फील करते हैं और उनसे भी ये बात कर रहे थे कि मैं इस रिश्ते पे काम करना चाहता हूँ, मैरिज करना चाहता हूँ और मैं सेलिब्रेट भी करना चाहता हूँ और परमानेंट रियूनियन चाहता हूँ। उनको ऐसा लगता है डियर कि आप उनकी लक हो, व्हील ऑफ फॉर्चून हो, आपके बिना इनकी जिंदगी आगे नहीं चल सकती, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा नोटिस भी कर रहे हैं, खुद के अंदर भी देख रहे हैं, अपने कमियों को भी सुधार रहे हैं और इस वक्त देखा जाए तो मिला जुला के आपके पार्टनर बहुत दुखी भी नहीं बताएंगे और ना ही बहुत हैप्पी हैप्पी महसूस करें, मतलब एक बैलेंस क्रिएट कर चल रहे, क्योंकि द हर्मेट में थोड़ी उदासी है, लेकिन इस रिश्ते के लिए एक विश्वास, एक होप उनके अंदर आज भी है, अभी भी है। और मैरिज से रिलेटेड आपके पर्सन किसी दोस्त से, कोई खास फ्रेंड से, बचपन के फ्रेंड से, या फिर इनके क्लोज फ्रेंड हो, इनके बचपन के फ्रेंड हो, या फिर इनके भाई हो, बहन हो या कजन हो, जो
आप दोनों के बारे में भी जानते हो और इनकी राज वो जानते हो, इनके सीक्रेट्स जानते हो। ये पर्सन कह रहे कि मैं बहुत हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, बहुत मेहनत करना चाहता हूँ कि लाइफ में वो आपको सारी खुशियां दे, एक स्टेबिलिटी ऑफर करे, आपसे मैरिज करे, ऐसा ना हो कि कल होकर कोई आपको थर्ड पार्टी, कोई आप दोनों को अलग कर सके। इसलिए आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो आपसे बात करें। यहाँ पे बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी महसूस करें, रीयूनियन और सेलिब्रेशन। तो आपके पार्टनर जिनसे भी बातें करें और आपके बारे में सोच रहे थे, एकदम ट्रू लव, एक ट्रू एहसास, ट्रू फीलिंग्स ऑफर करने की ये सोच रहे थे। लेकिन इनको अपने काम का भी फोकस है डियर, ठीक है। ये सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं आपके साथ और कुछ शेयर भी करना चाहते हैं। देखिए पैशनेट एनर्जी है, ये दिलो जहां से आपसे रीयूनियन चाह रहे हैं और जिनसे भी बातें कर रहे थे उन्हें, वो जो भी फ्रेंड हो या कोई भी हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझा भी रहे थे। तो आपके पार्टनर थोड़ा हैंडमैन की एनर्जी में, द हर्मिट की एनर्जी में थोड़ा परेशानी वाली एनर्जी थी, डिले वाली एनर्जी थी। लेकिन हाँ, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको कैसे रियूनियन करना है और कैसे आपको कमिटमेंट देना है। लेकिन ये पर्सन के अंदर कमिटमेंट और मैरिज से रिलेटेड ही थॉट्स आ रहे थे और ये किसी से बात शेयर कर रहे थे, ठीक है। और ये आपने इस रिश्ते में जितना प्यार दिया है, जितना एक दूसरे को समझा है और जितना एक दूसरे को आपने रिस्पेक्ट किया है, जितना आप दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया, आपके पर्सन जो भी है, फ्रेंड हो, जो भी, जिनसे ही बातें कर रहे थे, आपके बारे में बोल रहे थे, लेकिन ये चाहते हैं आपको लाइफ की सारी खुशियां देना और ये भी जानते हैं कि आप उनकी लक हो, आपके बिना ये आगे नहीं चल सकते, आपके बिना सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर और करियर को लेकर भी बहुत ज्यादा डीपली सोचते हुए नजर आ रहे थे। एक पैशनेट एनर्जी है, चाहत एनर्जी है, मिलने की चाह है, आपके क्लोज आने की चाह है, अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे थे और इनके मन में थर्ड ईयर की आपके साथ एक रीयूनियन हो, प्यार हो, सेलिब्रेट हो, टाइम स्पेंड करें और बहुत सारी बातें करें जो मैरिज से रिलेटेड हो। आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं और आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं और जिनसे भी ये सलाह ले रहे थे, कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रू ही और सही चीज बातें समझा रहे थे। तो कहने का मतलब आपके पार्टनर आज शाम जो भी ये बातें कर रहे थे अपने फ्रेंड से या क्लोज फ्रेंड से या भाई या बहन, जो भी हो, सिस्टर हो, ब्रदर्स हो, कजन्स हो, जो भी हो, अच्छी बातें कर रहे थे। तो देखिए डियर, देखा जाए तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। देखिए बहुत व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको अपना लक भी मानते हैं और आपके साथ ही मैरिज भी करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन जो भी प्लानिंग चल रही थी वो रीयूनियन और सेलिब्रेशन से रिलेटेड प्लानिंग चल रही थी और मैरिज से, कमिटमेंट से रिलेटेड एक डिसीजन लेने की भी ये बात किसी और से कर रहे थे, क्योंकि ये कह रहे थे कि वो आपके बिना आगे उनकी लाइफ चल नहीं सकती और ये भी कह रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत पैशनेट हो और ये भी कह रहे थे कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो और सच में आप उनके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ अनुभव किया है पास्ट में और प्रेजेंट में, आपके होने से ना होने से, इन्होंने क्या पाया है और क्या खोया है, आज इनको कहीं ना कहीं अहमियत पता लग रही है। तो आपके पार्टनर आपके बगैर रह नहीं सकते हैं, ये चीज यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन सिचुएशन देखा जाए तो हैंडमैन की एनर्जी है, लेकिन इन्हीं को सब कुछ सही करना है, ये भी ये सोच रहे हैं। लेकिन ये बहुत जल्द रियर आपके तरफ प्यार ऑफर भी करने वाले हैं और रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये भी ऑन ऑफ सिचुएशन से बहुत परेशान है और आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर 100% आज शाम आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत बेसब्री से भी इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब ये ज्यादा समय तक आपको वेट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आप एक दूसरे को इंतजार कर रहे हो, लेकिन ये ज्यादा समय तक अब आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं। तो देखा जाए डियर, पैशनेट एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और जिनसे भी बातें कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको लेकर ट्रू लव, मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी कैसे ऑफर करें और उनके आप व्हील ऑफ फॉर्चून कैसे हो, ये सारी बातें आपके पर्सन किसी से ये बात कर रहे थे, जो कि आपके बारे में आप उनकी सोलमेट हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर अपने दिल की बात किसी और से शेयर कर रहे थे और उनसे भी मदद ले रहे थे, आपको आपको प्यार ऑफर करने के लिए सोचे थे और किसी ने कहा गिफ्ट भी देकर आप उन्हें मना सकते हो। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की प्लानिंग कुछ
गिफ्ट वगैरह भी आपको देने की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये प्यार ऑफर करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि आप उनकी सोलमेट हो। देखिए डियर, इनमें थोड़ा सा ईगो हो सकता है, मान सकती हूँ ईगो है, क्योंकि द हैंडमैन की एनर्जी द हर्मिट मून, लेकिन ये ईगो अब इनका एंड होने वाला है और वेटिंग एनर्जी आप लोग की खत्म होने वाली है और यहाँ पे एक प्यार भरा एक रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। क्योंकि देखिए डियर, इस एनर्जी में भी आया है कि ये पर्सन के काम अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स, यहाँ भी पेंटिकल, दोनों हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे, स्टेबिलिटी की तरफ फोकस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये बंदा ये भी सोच रहा है कि आज मैं स्टेबल होता तो तुम्हें सारी खुशियां दे सकता था। हाँ, थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा, लेकिन नटखट है, प्यारे हैं, ट्रू लव का एहसास है, आपको छोड़ नहीं सकते हैं और आपके लिए बहुत कुछ ये करना भी चाहते हैं, ऑफर भी करना चाहते हैं और आपको खुद से दूर नहीं होने देंगे, ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। क्योंकि आज शाम आपके पार्टनर की जो भी प्लानिंग है, आपको लेकर ट्रू लव है, कमिटमेंट है और रीयूनियन की है, सेलिब्रेशन की है, तो आपके पार्टनर खुशियां देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं और सच में आप उनकी लक हो ऐसा वो अनुभव करें। कहने का मतलब, अगर शायद प्रेशर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो पास्ट में और प्रेजेंट में ये जरूर यहां सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि पास्ट इनका कितना अच्छा था और प्रेजेंट में ये इनको क्या सामना करना पड़ रहा है। आज ये आपके लिए सोच रहे हैं, रीयूनियन के लिए सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं और बहुत कुछ आपके लिए ये फील भी कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आसाम आपके पार्टनर रियूनियन की प्लानिंग, सेलिब्रेशन की प्लानिंग, मैरिज कमिटमेंट से प्लानिंग और आप उनकी लक हो, व्हील ऑफ फॉर्चून हो और आपको ऑफर करने की प्लानिंग है। तो बहुत व्यूअर्स, आपकी वेटिंग एनर्जी बहुत जल्द खत्म होने वाली है और बहुत जल्द एक नई शुरुआत भी होने वाली है। बहुत व्यूअर्स, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून लक सपोर्ट करने वाला है और वेटिंग एनर्जी खत्म होने वाली है। 3 नंबर और 4 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी के लिए 1 नंबर भी हो सकता है डियर। 1-1 की एनर्जी है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 6 है। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके तरफ से आपके पार्टनर आपके तरफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या, आगे सुन लीजिएगा, आपके पार्टनर का गाना है, प्यार है, इमोशंस है, पैशनेट एनर्जी, अट्रैक्शन है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, आप उनकी लक हो। आज शाम की एनर्जी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं डियर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।